हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सहारा के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सहारा निवेशकों से जुड़े हुए चार टॉपिक पर बात करेंगे। पहली टॉपिक जो सहारा प्रबंधन के द्वारा हो रहा है, आप लोगों को पता ही है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत सारे लोगों को डिफिशियंसी के मैसेज आए थे। अब सहारा प्रबंधन उन डिफिशियंसी को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसे में वो अपने ऑफिस के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा सहारा का शेयर फॉर्म भरवा रहा है। तो उसको लेकर क्या अपडेट है, यदि आपको डिफिशियंसी का मैसेज आया है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी काम की बात बताई जा रही है। दूसरी टॉपिक होगी क्यूशॉप और एनसीएलटी का जो केस चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर काफ़ी अपडेट काफ़ी चैनलों पर चल रहे हैं। तो उसको लेकर क्या सही अपडेट है, उसकी भी हम लोग कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सहारा के पीड़ितों को, सभी सोसाइटी के पीड़ितों को भुगतान के लिए जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है। और साथ ही साथ अंत में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो सहारा हाउसिंग का केस लगा हुआ था, सहारा हाउसिंग और SFIO का जो केस था, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो सहारा निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके काम की कोई जानकारी छूट जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि इसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा सहारा के निवेशकों तक होती है, और हमारे द्वारा जो जानकारी बताई जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहारा निवेशकों तक पहुँच पाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह वीडियो कुछ पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शेयर फॉर्म जो सहारा मैनेजमेंट के द्वारा भरा जा रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों करवा रही है। तो आप लोगों को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 99% आवेदकों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया डिफिशियंसी के मैसेज को भेजकर। अब सहारा प्रबंधन वैसे डिफिशियंसी के मैसेज को दूर करने का प्रयास कर रहा है जो सहारा के ऑफिस के स्तर से दूर किए जाने चाहिए थे। जैसा कि आपका नाम सहारा के एथी सहारा के ऑफिस में नहीं है, आपका नाम मिसमैच है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं सहारा के ऑफिस से जुड़ी हुई थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अब सहारा मैनेजमेंट अपने एजेंटों और अपने ऑफिस के माध्यम से सहारा शेयर फॉर्म भरवा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको भी डिफिशियंसी का मैसेज आया था तो आप अपने नियर के सहारा के ऑफिस को में संपर्क करें। वहाँ पर सहारा ने ऐसे लोगों की लिस्ट पूरी जारी की हुई है जिन लोगों को डिफिशियंसी का मैसेज आया था, और डिफिशियंसी किस कारण से आया था उन सब की लिस्ट जारी की गई है। आप उस लिस्ट में आप अपना नाम देख लें और उस शेयर फॉर्म को भरें। ऐसे में सहारा मैनेजमेंट यह कोशिश कर रहा है कि डिफिशियंसी का, चूँकि काफ़ी संख्या में लोगों को डिफिशियंसी के मैसेज आए थे, तो ऐसे में सहारा मैनेजमेंट अपने स्तर से यह प्रयास कर रहा है कि उस डिफिशियंसी के मैसेज को शेयर फॉर्म भरवा कर दूर किया जाए। तो दोस्तों, यह तो एक खबर थी डिफिशियंसी को मैसेज को लेकर। एक जो दूसरी खबर है वो क्यूशॉप और NCLT का जो आजकल चल रहा है, हर चैनल पर दिख रहा है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हर जितने चैनल है उतनी बातें, लेकिन मैं ऑर्डर की कॉपी आपको स्क्रीन पर लगा देता हूं। तो क्यूशॉप यह जो केस था, मैं छोटा संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि आखिर यह केस क्या था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज सहारा क्यूशॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का यह केस था जो 2022 में रजिस्टर्ड हुआ था। आप देख सकते हैं इसका नंबर, केस नंबर, और इसका जो फाइनल ऑर्डर NCLT में जो जारी किया गया है वो है, देखिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ किस तारीख को, 6/12
2023 मतलब दिसंबर के महीने में ही इसका इंसॉल्वेंसी करने का आदेश एनसीएलटी ने जारी कर दिया था। जैसा कि इस केस में सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने सहारा क्यूसॉप पर 4,75,00,000 रुपए की देनदारी के लिए केस किया था और जहां पर एनसीएलटी ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब सहारा क्यूसॉप का दिवालिया की कार्रवाई को शुरू किया जाए, दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। यह आदेश था 6 दिसंबर का। अब पता नहीं लोग कौन कौन से आदेश जारी कर रहे हैं, यह मैं नहीं जानता। मैं ऑर्डर शीट आपको लगा देता हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसके ऑर्डर की कॉपी को निकाल सकते हैं। यह एक प्रोसेस होता है, प्रोसीड्योर होता है, एक डेट में यह काम नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर इसका दिसंबर में ही आ चुका था। अब इसमें जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिनको बनाया गया है वो है मिस्टर उदय कुमार भास्कर भट्ट। ये कंपनी सेक्रेटरी हैं और इनकी देखरेख में ही क्यू शॉप को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई इनके मिस्टर उदय कुमार भास्कर के भट्ट के देखरेख में ही होगी। तो ऐसा आदेश एनसीएलटी ने दिसंबर के महीने में ही किया था और यह कार्रवाई निरंतर चल रही है। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो तारीखें पीछे पड़ रही हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखते थी, उनको दूर किया गया है और अब जो आदेश आया है उसमें हुआ कि अब इस कार्रवाई को शुरू किया जाए। तो यह जो आदेश एनसीएलटी का था क्यू शॉप को दिवालिया घोषित करने का, तो यह आदेश 6 दिसंबर का ही था। तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब एक तीसरी जो खबर है वो PIL से संबंधित है। आप लोगों को पता ही है कि सहारा के बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं, जो लोग भी PIL कर रहे थे इसके पूर्व में, वो सिर्फ अपने स्तर से कर रहे थे, अपने भुगतान को कर रहे थे। लेकिन अभी जो नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने जो PIL की है, जो कि सचिव हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान के, धनबाद की यह संस्था है, तो उन्होंने जो PIL की है, उन्होंने अपने PIL में कहा है, मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि सहारा के सभी सोसाइटी के सभी निवेशकों को पूर्ण भुगतान की जाए। तो यह जो PIL लगाई गई है यह बहुत अच्छी PIL है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के भुगतान की मांग न करते हुए सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को, सहारा के सभी सोसाइटी से संबंध जितने भी निवेशक हो उनके संपूर्ण भुगतान की मांग की गई है। तो इसका डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, आने वाले 1 से 2 महीने में इसका केस नंबर मिल जाएगा और बहुत ही जल्द इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब भी पहली सुनवाई होगी वो एक नोटिस जारी करेगा केंद्र सरकार और सहारा मैनेजमेंट को, और उसके बाद जो अगली डेट पड़ेगी उसमें उम्मीद की जाएगी कि कोई ना कोई सहारा निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करें। तो फिलहाल एक बहुत अच्छा PIL सुप्रीम कोर्ट ने में दाखिल हुआ है, जो कि एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, उसका डायरी नंबर भी आ गया है। तो एक यह बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के लिए। अंत में हम लोग बात करेंगे कि जो पिछले दिनों 7 तारीख को जो दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेज SFIO यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस लगा हुआ था उसके अपडेट को लेकर, तो दोस्तों उस दिन कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ और क्या हुआ कि दोनों पक्षों की आपसी राजामंदी से अब इसकी तारीख को मई महीने में दे दी गई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोर्ट में भारत सरकार और सहारा प्रबंधन दोनों मिले हुए दिखते हैं और जो भी तारीख पड़ती है जिसमें सहारा और भारत सरकार एक दूसरे के पार्टी और विपक्षी हैं, तो दोनों आपस में मिली भगत करके सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं और कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस केस में पिछले 1-1.5 साल से यही कहानी चल रही है कि जो भी तारीख पड़ता है उसमें दोनों आपसी सहमति से दोनों अगली तारीख की मांग कोर्ट से करते हैं और कोर्ट भी बिना कुछ बोले हुए आगे की तारीख दे देता है। तो फिलहाल इस केस में जो अगली तारीख आई है वो मई महीने की है। अब आप 2-3 महीना और इंतज़ार कीजिए और मई महीने में भी कुछ नहीं होने जा रहा है क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव होते रहेंगे। तो दोस्तों यह तो अपडेट था
चारों काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट था, मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बहुत ही संक्षेप रूप में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।